आजकल लोगों को बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ बहुत पसंद है। किसी को जर्मन, किसी को जापानीज, किसी को चाइनीज़, किसी को अमेरिकन, किसी को ब्रिटिश, किसी को फ्रांसीसी, वो भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज वाली। लेकिन हम आपको दिखाते हैं इंडियन ब्रांड महिंद्रा। नाम तो सुना ही होगा, तो बस 5 मिनट में देखिए आप महिंद्रा क्या कर सकते। यार ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी में क्या चाहिए होता है? 4x4 यानी फोर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव, ट्रैक्शन कंट्रोल, डिफरेंशियल लॉक, हायर सस्पेंशन, अच्छे टायर्स, स्नॉर्कल किट्स। हमारे पास इतना सब तो नहीं है, बस दो चीज़ें, एक 4x4 यानी फोर व्हील ड्राइव और दूसरा है थोड़े अच्छे टायर। तो चलिए देखते हैं हमारी गाड़ी कहाँ तक जाती। हम लोग सिर्फ रील बनाने गए थे, ऑफ रोडिंग का कोई प्लान नहीं था। जैसा कि दीपेश भाई ने बताया है कि हम लोग सिर्फ रील बनाने गए थे, लेकिन जगह देखकर थोड़ा मन किया कि चलो आज ट्राई कर ही लेते हैं। जब से यहाँ माइंस बंद हुई थी यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं आई। तो इससे पहले कोई गाड़ी नहीं आई थी तो हमने सोचा कि चलो ईगल को ही ले जाकर देखें। दिखने में जगह बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर बस बकरियाँ गाय चराने वाले लोग ही आते हैं, वो भी पैदल। तो जब हम गाड़ी माइंस की तरफ उतार रहे थे तो मेरे को तो नहीं लग रहा था कि गाड़ी आधे रास्ते तक भी उतर पाएगी। लेकिन जब हमारी ईगन ने उड़ान भरी फिर तो रुकने का नाम ही नहीं। गाड़ी मैंने ऐसी ही जगह पे ले गया हूँ जहाँ पर मुझे खुद पैदल चलने में परेशानी हो रही थी, लेकिन वहाँ से हमारी जीप बहुत आसानी से निकली। हमारे पास ना जेक था ना स्टेपनी था। '87 की हमारी गाड़ी है, इसमें ना ही कोई एडवांस फीचर्स है ना टेक्नोलॉजी है, बस कह सकते हैं कि महिंद्रा का बनाया हुआ एक मास्टरपीस है। और इस मास्टरपीस के आगे तो महंगी महंगी गाड़ियाँ खेल है।
क्या लगता है आपको, कोई दूसरी गाड़ी है जो हमारी ईगल को बीट कर सके? कमेंट्स में बताइए उस गाड़ी का नाम।